सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्रीमती बिमला सोलंकी, विधायक विधानसभा 64, समस्त भाजपा परिवार, सिकंदराबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। यूपी के बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जबकि एक पक्ष ने बुलंदशहर एसएसपी के ऑफिस पहुंचकर दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। छोड़ दे, मैं कह रही हूँ मेरे भाई को छोड़ दे। बचाओ कोई मेरे भाई को, छोड़ दे। आपकी स्क्रीन पर ये वही वायरल वीडियो है, जिस वीडियो में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट होती साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में दिखने वाले लोग एक ही परिवार के हैं, जिनमें जमीनी विवाद को लेकर पहले कहा सुनी हुई और उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। देखिए, एक महिला हमारे पास अपनी बेटी के साथ आई थी, जो शास्त्री नगर गाजियाबाद में रहती हैं। इनका दाम्पत्य विवाद आपस में पति पत्नी के बीच में चल रहा है। इनके पति ये हजरतपुर पुठरी गाँव है, खुर्जा देहात थाने में, वहाँ के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि 6 महीने बाद अपने पिता के घर आई और किसी कमरे में प्रवेश करने का इन्होंने प्रयास किया और ताला तोड़ने का प्रयास किया, तो इस पे जो घर परिवार के लोग थे और उनके बीच में आपस में मारपीट हुई और एक सामान्य किस्म का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें मारपीट बच्चे के साथ करते हुए देखे जा रहे हैं। इन्होंने एक तहरीर दी है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जो भी सत्यता है उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसएसपी ने स्थानीय पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।